हाय फ्रेंड्स, तापशु के रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ बबीता और आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट स्टफिंग गुलाब जामुन, एकदम फ्लफी और एकदम स्पंची। हमें खोए और पनीर से बनाने वाले हैं बिना सोडे का, एकदम मार्केट जैसा, एकदम आसान तरीका बताऊंगी मैं जो हर कोई बना सकेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पनीर और खोया हमको सेम लेना है, जितना खोया उतना ही पनीर लेना है। पनीर को मैं कद्दूकस कर लूँगी इस तरीके से, पूरा पनीर हम कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। ताज़ा पनीर लेना है, ताज़ा खोया लेना है हमें। देखिए इस तरीके से मैंने पूरा कर लिया है। अभी हम इसको खोया को साइड में प्लेट में, देखिए हाथ के हथेली से हमको इस तरीके से मसलना है इसको, जैसे सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं उस टाइप का हमको करना है। हाथ से पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है। देखिए सब जमा कर लेती हूँ मैं, पूरा जमा करके हम वापस वैसे ही करेंगे। को एकदम मुलायम मखमली करना है, लेकिन ज़्यादा मखमली नहीं आपसे हो पाएगा फिर भी चलेगा। हमें आपको एक तरीका बताने वाली हूँ इसको ऐसे ही करने का। देखिए अब हम खोया भी डाल दे रहे हैं इसमें हमको एकदम, देखो इस तरीके से हमको नहीं दबाना है मुट्ठी में, एकदम हल्के हाथों से करना है। अगर आप मुट्ठी में इसको दबा के मसलोगे तो हमारा गुलाब जामुन कड़क हो जाएगा और एकदम स्पंजी और नरम नहीं बनेगा। हम इसमें सोडा भी नहीं डालने वाले हैं। देखिए बिना सोडे से भी कितने मुलायम और स्पंजी बनते हैं। तो अब इसमें मैदा डाल रही हूँ। आपको मैदा ऐसा गिन के नहीं डालना है, मैंने पहले 2 चम्मच डाला है। और देखो मैं इसको उसमें खोए में मसलूँगी पहले। आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसको ठीक से कर पाएंगे, कोई कोई खोया थोड़ा पतला भी हो जाता है, कोई कोई एकदम कड़क भी रहता है, वो हिसाब से हमको मैदा डालना है इसमें। गेंद के मैदा ऐसा नहीं डालना है, आपको खुद में कोई समझ जाएगा कि आप एकदम मुलायम जब बना रहे हो कि इसके अच्छे से गुलाब जामुन बन सकते हैं, तो ये आप उसमें डालना बंद कर दीजिए। देखिए अच्छे से हमारा बन गया है एकदम। अब देखो इसको हम साइड में रख देते हैं। और देखिए मैं इलायची ले रही हूँ, 6 महीने हरी इलायची ली है। इसको हम छील लेंगे और इलायची हम इसमें निकाल लेंगे, इलायची दाना पूरा निकाल लेंगे और इसका छिलका हम रख देंगे। इसका छिलका हमें आगे चाशते में काम आ जाएगा। देखिए इसको मैं पीस लूँगी, अभी थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं पीसना है, एकदम दरदरा ही पीसेंगे। इसको हमको मिक्सी में घुमाना है इसीलिए, देखिए पीस लिया है हमने, मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, इस पर मैंने पीसी हुई इलायची डाल ली है। और देखिए हमारा खोया हमको इस तरीके से तोड़ना है इसमें। देखिए आपको ज़्यादा हाथ से मसलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों से ऐसा होता है कि ठीक से मसल नहीं पाते तो उनके गुलाब जामुन ठीक से नहीं बनते हैं। लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे, मिक्सी में घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना है नहीं तो पूरा घी छोड़ देगा। बस एक बार हमको घुमाना है एकदम ऐसा 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड ऐसे ही घुमा के रुखा देना है। देखिए इस तरीके से पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, हमको हाथ से ज़्यादा मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको मैं अच्छे से गून लेती हूँ अभी। देखिए एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट, इसी तरीके से हमको चाहिए। इसी तरीके ऐसा ही अगर आप आटा करोगे अच्छे से खोए वाला मसल मसल के, तो आपके गुलाब जामुन एकदम स्पंजी और एकदम अच्छे बनेंगे। आपको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार सोडे से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो गुलाब जामुन ख़राब हो जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा खोया लेके इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, क्योंकि हमको ड्राई फ्रूट स्टफिंग वाले गुलाब जामुन बनाना है, इसलिए हमको इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिक्स कर रही हूँ मैं। इसको हम साइड में रख देंगे। और इसमें देखिए मैं फूड कलर डाल रही हूँ ग्रीन कलर का, ये थोड़ा दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, इसीलिए अगर आप नहीं डालना चाहते हो फिर भी चलेगा। अगर आपको और कोई कलर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास ग्रीन था इसलिए मैंने ग्रीन ही डाल दिया है। देखिए हमने ये तैयार कर दिया है और अभी हम चाशनी बनाते हैं। 1 कप मैंने शक्कर ले ली है, हमको जितनी शक्कर लेनी है उसके आधा पानी लेना है। 1 कप मैंने शक्कर ली है तो आधा कप मैं पानी लूँगी। उसमें मैंने गैस चालू कर दिया है। और देखिए इसमें जो इलायची हमने छीली थी उसके छिलके हैं वो हम डाल देंगे इसको। देखिए इसे उबाल आ रहा है, हमको स्लो में रखना है गैस, एकदम तेज़ नहीं रखना है। इसको हम एक बार घुमा लेंगे अच्छे से, भी हमारी चाशनी आराम से बनती रहेगी और हम अपना गुलाब जामुन वाला गोले बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो ड्राई फ्रूट वाला जो स्टफिंग बनाई हूँ मैं, उसके मैं छोटे छोटे एकदम टुकड़े लूँगी, एकदम छोटा छोटा लेना है। देखो मैं जिस तरीके से आपको दिखा रही हूँ उतना ही छोटा लेना है, आपको बड़ा नहीं लेना है।
क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट है, उससे गुलाब जामुन हमारा ख़राब हो सकता है। देखिए अभी ये वाला लेना है, इसको एकदम हाथ से नहीं जोर से प्रेस करना है, एकदम धीरे हाथ से ही करना है। देखो हम बीच में रखेंगे उसको और अच्छे से इस तरीके से पैक कर लेंगे। अंदर ड्राई फ्रूट वाली स्टफिंग इसी तरीके से करते हैं। अब उसको हम अच्छे से घुमा लेंगे ऐसे हाथ पे ही। देखिए हमको, मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, जोर से प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से बनाना है। देखिए मैं ये साइज़ में बना रही हूँ, आपको जो साइज़ चाहिए आप वो साइज़ में बना सकते हैं, छोटा बड़ा या ओवल में भी बना सकते हैं। देखिए हम दूसरा भी इसमें इसी तरीके से डाल लेंगे, इसी तरीके से आपको करना है। आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से बंद करती हो। बहुत बार बहुत लोगों के गुलाब जामुन में क्रैक हो जाते हैं और फिर तेल में तलते समय भी वो एकदम क्रैक हो जाते हैं और चाशनी में डाल के पूरा टूट जाता है। आप इस तरीके से करोगे तो आपके नहीं होंगे। हम इस तरीके से सब गुलाब जामुन बना ले रहे हैं, सब बना लेंगे हम इस तरीके से। देख के अब चाशनी देखते हैं हमारी चाशनी कैसी हुई है। तो देखिए मेरे पास पुरानी और भी थोड़ी चाशनी थी, मैं वो भी डाल दूंगी इसमें। इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर था पहले की चाशनी, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसलिए मैंने कम चाशनी बनाई थी। अगर आप ज़्यादा चाशनी बनाओगे, 2 कप शक्कर लोगे तो आपको 1 कप पानी डालना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा चाशनी बनाते समय। और हमको चाशनी कोई ज़्यादा 1 तार 2 तार की नहीं बनानी है। अब जो बाकी का जो बचा है खोया, उसके भी हम वैसे गुलाब जामुन बना लेंगे इस तरीके से। तरीके से देखिए मैंने एकदम कम बनाए हैं, मैंने एकदम जो कम लिए, आधा पाव खोया लिया है, तो आधा पाव मैंने पनीर लिया था, मैंने इतना ही लिया था, मैंने ज़्यादा नहीं लिया था। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दी हूँ कि किस तरीके से आपको लेना है। देखिए हमको शहद की तरह चाहिए चाशनी, 1 तार या 2 तार की नहीं चाहिए। हमारी चाशनी हो गई है, मैंने बंद कर दिया है गैस। ये कढ़ाई है, ये लोहे की कढ़ाई है, नहीं तो आप सोचोगे कितनी काली काली कढ़ाई ली है, एकदम पुरानी कढ़ाई है ये लोहे की, इसलिए आपको इतनी काली लग रही है, वो बहुत पुरानी है। उसमें मैंने घी डाल दिया है, अगर आप तेल डालना चाहते हो तो तेल भी डाल सकते हो। अब देखिए गर्म हो गया हमारा घी, उसमें मैं पहले एक ही डाल के देखूंगी हमारा परफेक्ट है कि नहीं है, हमको देखना बहुत ज़रूरी रहता है। आप कोई भी काम करते हो तेल में तलने वाला, तो सबसे पहले पहला वाला एक सिंगल निकाल के देखा करो, एकदम से एक साथ नहीं डालना चाहिए कभी भी, पकौड़े हो या और कुछ भी हो, हर चीज़ हमेशा पहले एक डालो, फिर चेक करो उसको ठीक है कि नहीं है, तभी आप आगे का बनाना स्टार्ट करिए। एक साथ बनाएंगे तो हमारा कभी बिगड़ भी जाता है तो सब बिगड़ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा इसको काला रखूँगी, थोड़ा काला थोड़ा टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप इस स्टेज पे निकालिए, गुलाब जामुन ऐसे ही कलर के होते हैं। देखिए परफेक्ट बना है, एकदम बबल्स आ रहे हैं, मतलब एकदम परफेक्ट बना है हमारा। हम इसको साइड में रख देंगे, अभी हम चाशनी में नहीं डालेंगे, चाशनी हमारी ज़्यादा गर्म है, थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तब हम उसमें डालेंगे। अब मैंने 3 ही डाले हैं इसमें, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटी है। अगर आप बड़ी वाली कढ़ाई रखेंगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और देखिए हमको तलते समय ना इसको ज़्यादा एकदम ऐसा चम्मच नहीं लगाना है, दूर से इस पर ना घी हमें डालना है और इसको घुमाते ही रहना है। आप इसको डाल के मत छोड़ देना, नहीं तो एक साइड से काला हो जाए और एक साइड से एक जैसा, मतलब कलर नहीं आएगा। हमको चारों तरफ से एक जैसा कलर चाहिए हमको गुलाब जामुन का, इसीलिए हम इसको घुमाते रहेंगे तो एकदम परफेक्ट होता है। देखिए ये भी हमारा हो गया है, हम इसे भी निकाल लेंगे। अभी हमारा एकदम परफेक्ट बना है, एक भी क्रैक भी नहीं आया है और कुछ भी नहीं आया है। अब मैं वापस डाल रही हूँ, देखिए उस पर धीरे धीरे पहले हमको ऐसे ऐसे घी डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर से, और उसको चारों तरफ से घुमाना है एकदम धीरे तरीके से। देखिए हमारी चाशनी नॉर्मल हो गई है, अभी जितना बना है मैं उतना डाल दूंगी उसमें। देखिए इस पर थोड़ी थोड़ी चाशनी भी डाल लेंगे, अभी हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट हो गई है। इसी समय डाल को नॉर्मल जब गर्म रहती है तभी गुलाब जामुन डालना है, एकदम गर्म गर्म चाशनी में आप नहा डाले गुलाब जामुन, आपके गुलाब जामुन फट भी सकते हैं। देखिए अभी वापस हमने कढ़ाई रख दी, बाकी के हैं वो भी हम तलेंगे। मैं ऐसे ही 3-3 ही डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपके गुलाब जामुन पूरे टूट जाएंगे। आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके ही डालिए, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आप बीच में देखोगे तो बीच में छोड़ दोगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप भी गुलाब जामुन अच्छे से बनाना चाहते हो तो ही देखिए पूरा। देखिए इसे भी हम निकाल दे रहे, हमारे गुलाब जामुन पूरे बन गए हैं, चाशनी में हमने डाल दिए थे। अब मैं बाउल में निकाल रही हूँ, देखो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा
पूरे हम निकाल लेंगे इसमें एक एक करके। हमारे गुलाब जामुन एकदम अच्छे बने, मैंने एक ओवल शेप में भी बनाया था। कोई कोई थोड़े काले हुए हैं, कोई कोई थोड़े मैं नॉर्मल रखी हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा काले थोड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए अपने हिसाब से बनाई हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए बाकी की जो चाशनी बची है वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमारे गुलाब जामुन बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं, कहीं से भी एक भी क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं आया है एकदम। अभी इसको हम ढक के एक दो घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए दो घंटे हो गए हैं, अब इसको हम खोलेंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने हैं, मैं दबा के दिखाऊंगी। देखिए एकदम सॉफ्ट, एकदम यूसी भी है, हमको इसी तरीके से चाहिए। देखिए अब हम प्लेटिंग कर रहे हैं, ये वाले छोटे वाले बाउल में निकालूंगी मैं। आपको काट के भी दिखाऊंगी गुलाब जामुन कि हमारा गुलाब जामुन अंदर से भी कैसा बना है करके। ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको दिखा दूंगी और अंदर से वो अच्छा नहीं बना है, ऐसा नहीं है। मैं पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगी, मेरी ओरिजिनल रेसिपी रहती है, मैं ऐसी नहीं बताती हूँ, कुछ कम ज़्यादा नहीं बताती हूँ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप पहले ट्राई करो रेसिपी और बाद में मुझे बोलो। अगर कुछ कम ज़्यादा आपके रेसिपी में होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए एक गुलाब जामुन मैंने निकाल दिया है और मैं जूम करके आपको इसमें काट के भी दिखाऊँगी। अभी हमारा कितना परफेक्ट बना है तो देखिए, एकदम है ना हलवाई जैसा, दुकान में जैसे मिलते हैं ना मिठाई दुकान में, उसी देखिए कितना स्पंजी बिना सोडे का, इसमें सोडा भी नहीं डाले हैं, और कितना अच्छा गुलाब जामुन बना है। देखिए ये तरीका बहुत एकदम सिंपल तरीका बताई हूँ, सोडा मत डालिए। बहुत लोगों से कम ज़्यादा सोडा हो जाता है, तो गुलाब जामुन कभी ज़्यादा होता है तो तेल में डाले बराबरी टूटने लग जाता है। देखिए थोड़ा सा हम गार्निश भी कर देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर से जो हमारा बचा था वो। हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी है, ये ना एकदम आसान तरीका। आप इस तरीके से ज़रूर एक बार गुलाब जामुन बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने थे। तो देखिए एकदम बढ़िया बने हैं हमारे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मैं आपके लिए रोज रोज नई नई वीडियो लेके आऊँगी। आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। देख के खाने मन हो रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। काश ऐसा भी होता कि YouTube पे से किसी को हम खिला सकते तो मैं ज़रूर खिलाती। चलिए ओके बाय, अगले वीडियो में मिल